पर मोहम्मद इनाम को अंक लेना ही होगा। यदि वो अंक नहीं ले पाते तो जहां विकेट की पुनिया ने उनको गिराया जोर से बाहर कर दिया, एक अंक रहा उनके नाम। और अभी भी समय कायम रहेंगे नहीं, जब अंक होता था अंक दिया जाता था वही बिल्कुल छुड़वा दिया जाता था और घंटा बंद हो जाती थी, लेकिन अपनी घंटा 30 सेकेंड की हमेशा कंटिन्यू रहती है। और जहां तक कि 30 सेकेंड में भी जबकि आपने कुछ एंट्री कराई है तो भी ये आगे बरकरार होगी। एक बुनियादी स्तर पर आया है उसी के नियम होंगे। एक अंक अपने बाहुबल से बटोरा है उन्होंने और यहां पर दूसरा अंक जो है इसलिए अपोनेंट का और बदला अंक नहीं बटोर पाया 30 सेकेंड में और तिरंगे को लेना। दीपक पूनिया वर्सेस मोहम्मद इनाम आयोजित हो सबका छोड़कर आक्रमण करने की कोशिश का अपना मौका ज्यादा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने झपटते हुए देखा मोहम्मद इनाम को कर दीजिए सिर्फ और एक बार फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश अपील की उन्होंने रेफरी से। 3-0 की बढ़त है, 42 सेकेंड बाकी है, लेकिन निश्चित नहीं हुआ जा सकता क्योंकि टोक्यो ओलंपिक का अनुभव करवा अनुभव भी सामने है। बजरंग पुनिया आप भी 4-5 सेकेंड में मुकाबला हार गए, जीतते जीतते हार गए थे, लेकिन जहां एक स्वर्ण घड़ी आने वाली है भारत को तीसरा स्वर्ण पदक खेलने की तैयारियां आप भी क्षण की पुष्टि बढ़ा था मोहम्मद इनाम द्वारा और भी खतरनाक हो सकता है। कृपा है बजरंग पुनिया की मोहम्मद इनाम के पक्ष में, लेकिन पैरों के बीच में बड़ा फासला रखा उन्होंने और कुंजे बढ़ाने की कोशिश करते हुए दोनों ओर से बराबरी की जैन घड़ी की रफ्तार उनसे भी तेज और भारत को मिला स्वर्ण पदक। ये आज तीसरा स्वर्ण पदक समा बात किया पहलवानों ने वो वैसा प्रदर्शन नहीं हो रहा था जो अपेक्षित था। आज सबकी भरपाई करते कुश्ती ने और कुश्ती पौधा खेल है आज ये बात काफी होगी जिसमें ओलंपिक में भारत को लगातार चौथे रख के अपने शानदार प्रदर्शन से कनाडा के रेसलर मैकब्रिल जो कनाडा कप के स्वर्ण पदक विजेता है और स्पेन ग्रांड प्री प्रतियोगिता जो इस साल आयोजित की गई थी उसके कांस्य पदक विजेता, पैन अमेरिकन चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता है 2021 और 2016 के, अच्छा खासा तजुर्बा है लालचंद मैकब्रिल के पास भी। लेकिन विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं हो या ओलंपिक हो उसमें बजरंग पुनिया का जवाब नहीं और बात कहनी पड़ती है खूबसूरती के साथ क्या इको में इसे बदल पाएंगे। बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया है इस वक्त बजरंग पुनिया के पक्ष में, पहला अंक जुटाया उन्होंने और पीछे आए खूबसूरती के साथ यहां पर 2 अंक उनके पक्ष में गए, यानी 3-0 की बैटिंग बजरंग पुनिया के पक्ष में। यहां पर लगाने की यहां पर भारत लगाने की कोशिश करते हुए लगातार पुनिया 3-0 दोनों ही पहलवान अपने अपने कॉन्टिनेंट्स के चैंपियन रह चुके हैं, एक पैन अमेरिकन चैंपियन और इधर एशियाई चैंपियन, लेकिन पिछली प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था बजरंग पुनिया को। इंडिया वर्सेस कनाडा जब भी कोई मुकाबला होता है कॉमनवेल्थ गेम्स का तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरे भारतवासियों की उम्मीदों के केंद्र बजरंग पुनिया झुककर आक्रमण करते हुए और यहां पर बाहर धकेलने में, लेकिन एक विशिष्ट शैली के रेसलर विपक्षी को थकाकर अंक बटोरने में यकीन। दूसरे राउंड की कुश्ती 3-3 मिनट के 2 राउंड, पहला राउंड 4-0 से अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे हैं बजरंग पुनिया। इसी वजह से इन्होंने इतना बड़ा स्टेमिना है, कुत्ते उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन अपना पांव जरूर गवाया था और ये मुकाबले में पहला अंक गवाया है बजरंग पुनिया ने, 2 अंक गवा दिए हैं। अब अंतर है दोनों पहलवानों के बीच में केवल 2 अंकों का। एक तरह से मैं कहूंगा कि लक्ष्मण का पदक हासिल किया था इसी बजरंग में और परपट लगाने की कोशिश की बजरंग पुनिया द्वारा, गहरी पट जहां पर संतुलन बिगाड़कर वो 2 अंक बटोरते हैं या जोर से बाहर निकालते हैं, दूसरे पांव से गिराने की कोशिश उनके द्वारा
टाइम तक चार दो की बढ़त। देश की नजरें टिकी हुई इस बहादुर जाबाज पर, जोन से ही समझना चाहिए लेकिन लगातार अटैक करने चाहिए। और बजरंग तो लगातार अटैक करने में बहुत ही सिद्धस्त माने जाते हैं और अपने विपक्षी को थकाकर आखिरी क्षणों पर लगातार हमले करते रहे। आठवां अंक, नौवां अंक बटोरा उन्होंने, आखिरी दो सेकेंड सात और दो अंक भी निकल गए और स्वर्णिम सफलता हासिल हुई बजरंग पूनिया को। कमाल को वो फिर से दोहराने में कामयाब रहे। पदक 2018 में स्वर्ण पदक, 2022 में फिर स्वर्ण पदक, पूनिया ने दिलाया है स्वर्ण पदक। भारत का तिरंगा देखने को मिली है इस बार साक्षी मलिक द्वारा। ऊपर से भी आक्रमण किए उन्होंने, नीचे से भी आक्रमण किए और इस बार झुककर आक्रमण करने की कोशिश की गोंजालेस ने।